नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी में एक बार फिर नौकरी की परीक्षाओं में सेंध लगाने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार हो गया है। वह इतना शातिर है कि इससे पहले वह व्यापम घोटाले में भी जेल जा चुका है। पकड़े गए आरोपी के पास से कार, नकदी, प्रवेश पत्र एवं आधार कार्ड बरामद हुए हैं। युवक को थाने लाया गया, जहां पूछताछ में कई नाम उजागर हुए हैं। सभी के खिलाफ थाने में FIR दर्ज हुई है। बताते चले कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंध लगाने के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के अंतर्गत झांसी में नवाबाद थाना पुलिस स्वाट टीम व STF की टीम ने क्रेटा कार क्रमांक MP07ZD0783 सवार युवक को किले के पास झरना मार्ग से पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 1200 रुपए नगद, 2 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं। इसके अलावा उनके पास से एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी बरामद हुई है। पकड़े गए युवक को थाने लाया गया, जहां पूछताछ में उसने अपना नाम अमिताभ रावत, पुत्र स्वर्गीय कुकु सिंह निवासी टुडीला जौरा मुरैना मध्य प्रदेश बताया है। वह मध्य प्रदेश में शिक्षा के पद पर कार्यरत था, तभी व्यापम घोटाले में जेल जा चुका है। टॉर तभी बर्खास्त है। इसके अलावा उसने अपने साथियों के नाम साकेत उर्फ आशीष निवासी पटना बिहार, शैलंग यादव निवासी मुरैना, विष्णु चौधरी पुत्र रामवीर निवासी सादाबाद हाथरस UP और ऋषिकांत त्यागी पुत्र राम भरोसे निवासी जैतपुर जौरा मुरैना मध्य प्रदेश बताया है। अमिताभ के अनुसार उसने कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक व परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की जगह फर्जी सॉल्वर बैठाकर अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने का काम किया है, जिसके बदले में वह लाखों रुपए लेता है। झांसी में वह पुलिस भर्ती का लिखित परीक्षा पेपर आउट कराने के लिए आया था, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाया। अब वह SSC JD की परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले वह अपने मकसद में कामयाब होता, उसे पकड़ लिया गया। स्वाट टीम झांसी तथा STF की टीम के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के दौरान आज अमिताभ रावत, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराता था तथा साल्वर के माध्यम से प्रश्न पत्रों को साल्व कराकर परीक्षार्थियों को पास कराता था, ऐसे गैंग का जो सरगना है अमिताभ रावत, जो मुरैना का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है तथा इनके सहयोगियों, पूछताछ के दौरान जो सहयोगी आए थे इनके प्रकाश में, इनका नामजद FIR की गई है और गिरफ्तार अमिताभ रावत को जेल भेजा जा रहा है। सर, इससे पहले भी कोई बड़े मामले में जेल जा चुका है अमिताभ रावत? पूछताछ के दौरान पता चला कि 2017 में व्यापम घोटाले में ये जेल गया था, जिसमें इसको 5 साल की सजा हुई है। ये करीब 3 साल जेल में रहने के बाद छूटा था।